हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले मैं आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है? तो पहले हम बात कर लेते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डीमेरिट्स की, कि उनके अंदर ऐसी क्या कमियाँ थी कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ अपना ज़्यादा वो करना पड़ा। तो आपको बता दें कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट सेल से ही दो डॉटर सेल बनती हैं, और जब सिंगल पेरेंट सेल से ही दो डॉटर सेल बनती हैं तो जो सेम सिंगल सेल का जेनेटिक मटेरियल है वही डुप्लीकेट होकर दूसरी डॉटर सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है? इसकी वजह से जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर कोई भी वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं, पर सिर्फ म्यूटेशन ही रीज़न बच जाता है वेरिएशन का। और सिर्फ म्यूटेशन जब रीज़न बचता है वेरिएशन का तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई वेरिएशन प्रोड्यूस होगा। वेरिएशन किसी भी स्पीशीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन के बेसिस पे ही कोई भी स्पीशीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती है, ठीक है? तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और जब दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों पेरेंट्स की जीन की या जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर? तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ हमें मूव किया गया। इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले आपको एक प्रोसेस बताते हैं जो होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है बेटा, जो आपका अनफर्टिलाइज्ड एग है, एग जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मेल गैमेट के थ्रू, वही आगे जाकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म या जायगोट बना ले। इसके अंदर भी वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होते, और जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लीटली आपके एग सेल के जैसा ही दिखेगा। ऐसा आपको मेल हनीबी के अंदर देखने को मिलता है। मेल हनी बी जो है वो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस होती हैं, और जो फीमेल हनी बी है वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, यानी फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फ्लावर है उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो ऑर्गन है वो होता है फ्लावर। किसी भी प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है, ठीक है? इसी के बेस पे हमने फ्लावर को दो टाइप का बताया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ही हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही हम कम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं, क्लियर? ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो तो हम उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो तो हम उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो फ्लावर मेन स्टेम से, मेन प्लांट से जिस ब्रांच से अटैच होता है उसे हम पेडंकल कहते हैं। फ्लावर मेन ब्रांच से जब स्टेम से अटैच होता है तो हम उसे पेडंकल कहते हैं। इस पेडंकल के ऊपर आपको एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे आप थैलेमस कहेंगे, क्लियर? जो मेन ब्रांच है वो पेडंकल है, फिर कुशन लाइक एक स्ट्रक्चर है जो थैलेमस है। उसके बाद
आपको फोर वर्ल्ड्स या सर्कल दिखाई देगी। जब हम कोई फ्लावर लेंगे, जैसे ये एक फ्लावर है और इसे आप ऊपर से देखेंगे तो आपको इसके ऊपर चार सर्कल दिखाई देंगे। उन चार सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बाहर सर्कल दिखता है वो आपको दिखता है सेपल्स का। एक ग्रुप ऑफ सेपल्स मिलकर बनाती है कैलिक्स। अगर अकेले प्रेजेंट है तो सेपल, अगर उसने मिलकर एक ग्रुप या एक सर्कल बनाया हुआ है तो उसे कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, दिस इज जनरली ग्रीन इन कलर, जनरली ग्रीन इन कलर के होते हैं। और जब आपका फ्लावर ओपन नहीं हुआ है, बर्ड कंडीशन में है, तो उस टाइम पे ये फ्लावर्स के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। जब फ्लावर ओपन हो जाता है, किसी फ्लावर में ये परसिस्ट रहते हैं, किसी में ये शेड ऑफ होकर चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल सेपल्स का, ये हम आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं। जब नेक्स्ट सर्कल पे आओगे तो वो पेटल्स का होगा। अगर इनके ग्रुप की बात करें तो इनके ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। ग्रुप क्या कहलाएगा? कोरोला। सिंगल है तो क्या कहलाएंगे? पेटल्स। ये जनरली कलरफुल होते हैं। आपको जो फ्लावर के अंदर फ्रेग्रेंस या ब्यूटी देखने को मिलती है वो इस पेटल की वजह से ही होते हैं। ठीक है, फ्रेग्रेंस भी पेटल्स की वजह से ही आती है। इनका मेन काम होता है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन है और आपको एक्सटर्नली पॉलिनेशन के लिए एजेंट की ज़रूरत है। पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे बाहर से पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स का काम होता है। इसीलिए ये इतनी वाइब्रेंट कलर की और इतने अच्छे फ्रेग्रेंस की होती हैं, ताकि इंसेक्ट्स को, वास्प को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट, इसके बाद जो वर्ल आता है बेटा, उसमें आपको दो देखने को मिलते हैं पार्ट, एंथर और फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट मिलकर फ्लावर की एंड्रोशियम बनाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर का मेल पार्ट बनाते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम या मेल पार्ट, दो चीज़ देखने को मिलेगी। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके ऊपर आपको एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा। राउंडेड स्ट्रक्चर को आप कहेंगे एंथर। इसके अंदर आपको छोटे छोटे येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिन्हें आप बोलोगे पॉलन ग्रेन्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप कहोगे फिलामेंट। दोबारा सुनिए, यहाँ से आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा। जो राउंडेड स्ट्रक्चर है उसे आप कहेंगे एंथर। उसके अंदर येलो येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिन्हें हम कहेंगे पॉलन ग्रेन, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप कहोगे फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? एंड्रोशियम, या फिर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। चलिए, ये आपका थर्ड वर्ल्ड हो गया। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हमें तीन वर्ल्ड मिलेंगे। सबसे पहले बाहर की तरफ कैलिक्स, जो सेपल से मिलकर बना है, फिर कोरोला, जो पेटल से मिलकर बना है, और फिर एंड्रोशियम, जो आपका मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चार चीज आती हैं अंदर की तरफ, जो मिलकर बनाती हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो आपके फीमेल पार्ट बना रही है फ्लावर का, और ये आपका लास्ट या इनर मोस्ट वर्ल्ड होता है। किसी भी फ्लावर के सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा। क्लियर? इसके अंदर आपको चार पार्ट मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स। बाहर की तरफ आपको एक स्टिकी हेड, हेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, स्टिकी हेड, जो होता है स्टिग्मा। इसकी कोहेसिव या स्टिकीनेस होती है, ताकि पॉलन ग्रेन जब एयर्स में घूम रहे हों तो इस पर आके स्टिक कर जाए। ठीक है, अट्रैक्ट हो जाए। वैसे ही स्टिग्मा को ओव्यूल तक जोड़ने के लिए आपको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत है। उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को आप स्टाइल कहते हैं। उसके बाद आपको एक फूला हुआ स्ट्रक्चर या एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको आप ओवरी कहते हैं। उस ओवरी के अंदर आपको फीमेल गैमेट या ओव्यूल्स नजर आएंगे। इसके अंदर ही आपके एग्स होते हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर आपके मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं।
दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। क्लियर? अगर गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों वर्ल्ड एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो आप ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। अगर गाइनोशियम या एंड्रोशियम में से कोई एक वर्ल्ड प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को आप यूनिसेक्सुअल या इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। कैलेक्स और कोरोला आपको हर फ्लावर में देखने को मिलेगा, चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो चाहे वो बाइसेक्सुअल। क्लियर? इससे आगे का आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और उसके बाद सीड फॉर्मेशन। क्लियर? थैंक यू।